सो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Hyundai मोटर्स की तरफ से आने वाली अपकमिंग 7-सीटर स्टारगेजर के बारे में। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों का एक ही कमेंट आता है कि भाई 7-सीटर गाड़ियों के बारे में जो है ना हमारे को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, और वो डेडिकेटेड वीडियो जो है ना हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज भी जो है ना आप लोगों के डिमांड के ऊपर ये वीडियो बन रही है Hyundai स्टारगेजर के ऊपर, कि क्या क्या फीचर्स आप लोग को इसके अंदर मिलेंगे और किस प्राइस रेंज के अंदर जो है ना ये गाड़ी आने वाली है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहेगी और कब तक ये गाड़ी आप लोग को मार्केट में देखने को मिलेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना आप लोग को आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो बिना देरी शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले अगर इसके डायमेंशंस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो डायमेंशंस वाइज अगर देखा जाए तो लेंथ इस गाड़ी की रहने वाली है 4460 mm की रहेगी, और यहीं पे अगर जी इसके विड्थ के बारे में बात करते हैं तो 1780 mm की इसकी विड्थ रहेगी, और हाइट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1690 mm की जो है ना इसकी हाइट रहने वाली है। अगर व्हील बेस के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो देखिए इसकी जो व्हील बेस है वो 2780 mm की आप लोग को इसकी अंदर व्हील बेस मिलने वाली है, जो कि मोर देन सफिशियंट है। सो अगर डायमेंशंस अगर आप लोगों ने देख लिए तो अब आप लोग जो है ना जज कर सकते हैं इस गाड़ी को कि भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा लंबी है, कितनी ज़्यादा चौड़ी है, कितनी ज़्यादा आप लोग की हाइट में है। सो अगर मैं आप लोग को अपना ओपिनियन दूँ तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेस आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि व्हील बेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। वहीं ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में बात करते हैं कि इतने सारे सीट्स तो आप लोगों को दिए जा रहे हैं इसके अंदर, ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि 195 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस आप लोग को इसके अंदर मिलने वाली है, जो कि एक हद तक सही है। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब रास्तों पे भी नहीं जा सकते आप इस गाड़ी को लेके, अगर खासकर जब इस गाड़ी के अंदर वेट ज़्यादा होगा सो ये गाड़ी आप लोग के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकती है। वहीं पे चलिए अब इसके इंजन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके लुक्स पे जाने से पहले इसके इंजन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इंजन जो आप लोगों को जो इसके अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर मिल रहा है ना, वो आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है, और जो कि पावर निकालेगा 130 PS की और 142 Nm का जो है ना टॉर्क जनरेट करके देगा आप लोगों को। वहीं जब ये इंडिया के अंदर जो आएगी किस फीचर के साथ आएगी, किस इंजन के साथ आएगी, तो देखिए 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि मैनुअल और AMT गियरबॉक्स भी आप लोग को शायद उसके अंदर दिया जा सकता है, जिसमें आप लोग की जो पेट्रोल के अंदर माइलेज होगी वो 15 से 16 KMPL की रहेगी, और जो डीजल के अंदर रहेगी वो 18 से लेके 19 KMPL की माइलेज आप लोग को जो है ना डीजल के अंदर ये गाड़ी बड़े आराम से दे देगी। सो अब यहाँ पर जो है ना इंजन तो हमने आप लोगों को बता दिया, अब जो मेन कंसर्न होता है एक गाड़ी का कि लुक्स कैसे है गाड़ी के, फीचर्स कैसे है गाड़ी के अंदर, और भी कई सारी चीज़ें होती है, सेफ्टी कैसी है गाड़ी के अंदर, वो सारी चीज़ें भी जो है ना देखी जाती है। तो मैं आप लोगों को चलिए अब बताता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को इसके अंदर फीचर मिलेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी का रहने वाला है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि इसके जो लुक्स है ना बहुत ज़्यादा शार्प दिए गए हुए, मतलब इतनी ज़्यादा भी आप लोगों को जो है ना एग्रेसिव नहीं लगेगी गाड़ी, अट्रैक्टिव ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि सामने से देखोगे तो बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी, ठीक है। और एक फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, कि जिससे आप लोग की जो है ना मज़ेदार हो जाएगा एकदम इसका सिस्टम यार, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को इसके अंदर जो बोनेट का साइज़ रहेगा वो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, आप लोग देख ही रहे होंगे जिस हिसाब से गाड़ी बनी हुई है उस हिसाब से इसका जो बोनेट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा गया हुआ है। यहाँ पे इसका जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आप लोग को दिया गया है, इसके और ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो रही है इसके लुक्स में, ठीक है। वहीं लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप लोग को फील होने वाला है इसके अंदर, क्वाड लाइटिंग सेटअप दिया जा रहा है, एक MPV के अंदर क्वाड लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है आप लोग को यार, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, ठीक है। फॉग लैंप्स दिए जाएंगे बट वो आप लोग को ज़रूर से हेलोजन बेस के अंदर मिलने वाले हैं। अभी जो मेन है इसका वो है इसका DRL, जो कि बिल्कुल कनेक्टेड है, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और वहीं पर जो पीछे है, पीछे भी आप लोग को सेम पैटर्न फॉलो कर दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए इसका जो एक सिस्टम है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो इसका शीशा है सामने वाला, आप लोगों को वहाँ पे जो है ना एक चीज़ नोटिस करने को मिलता है कि यहाँ पे आप लोगों को कैमरा इसके विंडशील्ड पे दिया गया है। ये किस हिसाब से दिया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसका बोनेट साइज छोटा है उसकी वजह से, या फिर इसके डिज़ाइन ऐसे या इस वजह से। रडार सेंसर भी आप लोगों को जो है ना इसके विंडशील्ड पे ही देखने को मिल रहा है।
अलग ही सिस्टम है यार। मतलब एडास आप लोग को दिया जा रहा है इसके अंदर ज़रूर से, पर जो कैमरा और रडार का सेंसर है वो आप लोग को जो है ना विंडशील्ड पे दिया जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होगा कुछ इनका अपना सिस्टम। और यहाँ पे जो सेफ्टी के बारे में अगर देखते हैं थोड़ा, तो यहाँ देखिए आप लोग को फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग ज़रूर इसके अंदर दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही में हाई बीम असिस्ट आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आप लोग को ज़रूर इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, और रियर ट्रैफिक अलर्ट भी आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा। मतलब फीचर वाइज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आप लोग को जो है ना प्रीमियम लगने वाली है। इस अभी आगे और बात करेंगे हम इसके प्राइसिंग के बारे में भी। सो यहाँ पे देखिए अब साइड प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इसके टायर साइज पे सबसे पहले नज़र जाता है, तो ये आप लोगों को दिए जाएंगे 205 55 आर 16 इंच के अलॉय व्हील आप लोगों को दिए देखने को मिलते हैं यहाँ पे डायमंड कट में, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं देखने में भी। और जो इसके अंदर ब्रेक्स दिए जाते हैं वो आप लोग को फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और रियर के अंदर आप लोग को ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि चलिए ठीक है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं आने वाली है। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, आप लोग स्पेशली क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हो गाड़ी में, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग जो है ना अपना ओपिनियन ज़रूर से मुझे शेयर करना। यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है, यहाँ पे जो ए पिलर का डिज़ाइन आप लोग को दिया जाता है, वो स्लोपिंग डिज़ाइन दिया गया हुआ है इसमें, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हुए हैं डोर ओपन करने के लिए, और वो भी दोनों साइड दिए गए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए एक गाड़ी के अंदर यार। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 40 लीटर्स की आप लोग को मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और डोर में क्लैडिंग भी आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और एक ये गाड़ी में जो है ना आप लोग को मॉडर्न रियर डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो पीछे वाला हिस्सा है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट्स आप लोग को ज़रूर से दिए जाएंगे इसके अंदर, और रूफ माउंटेड स्पॉइलर जिसमें आप लोग को वॉशर भी दिया जाएगा, शार्क फिन एंटीना आप लोग को दिया जाएगा, वाइपर दिया जाएगा, डिफॉगर दिया जाएगा, स्टार गेजर की बैजिंग है, कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स है। और जो पार्किंग सेंसर है वो आई थिंक 3 दिए गए हुए, और ये किस हिसाब से दिए गए हुए 3 मुझे वो पता नहीं, 4 दे देते, 2 दे देते, मतलब 3, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक तरीके से अपना अपना सिस्टम होता है सबका। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके इंटीरियर में क्या क्या जो है ना मसाले पक रहे हैं, इंटीरियर में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लेदर सीट ज़रूर इसके अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि अच्छे होंगे, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। सॉफ्ट टच आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा इसके अंदर, और साथ ही में जो इसके अंदर थर्ड रो होने वाली है वो उसके अंदर भी आप लोग को जो है ना सीट बेल्ट प्रोवाइड करा दिए गए हुए हैं। तो अब सीट बेल्ट जो है ना वो हर पैसेंजर के लिए आई थिंक मैंडेटरी कर दिया गया हुआ है, तो सीट बेल्ट ज़रूर से लगाया करिए। और यहाँ पे जो है ना स्टोरेज स्पेसिस की भी आप लोग को बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। अब इसके अंदर एक चीज़ की दिक्कत आप लोग को आ सकती है, वो है इसके थर्ड रो पे, जहाँ पे आप लोग को जो है ना एसी वेंट्स नहीं दिए जाएंगे यहाँ पे थर्ड रो के लिए, जो कि दिक्कत वाली बात हो सकती है थर्ड रो में। बाकी यहाँ पे कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल रही है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल रहे हैं, लेदर का स्टीयरिंग व्हील आप लोग को मिल रहा है लेदर रैप वाला, और 6 वे मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टेबल आप लोग को मिल रहा है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, बट ये आप लोग को मैनुअली आप लोग इसको कर सकते हैं। डुअल टोन के अंदर डैशबोर्ड का फिनिश आप लोग को मिल जाएगा इसके अंदर, और साथ ही में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा यहाँ पे, पूरी तरीके से डिजिटल नहीं है वो। और 4.2 इंच का जो है ना उसमें आया, उसके अंदर आप लोग को MID स्क्रीन दी जाएगी। डुअल जोन आप लोग को AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा ऑटोमेटिक के साथ, और 12 वॉट के चार्जिंग सॉकेट्स आप लोग को मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जर भी होगा इस गाड़ी के अंदर बतेरे, और साथ ही में जो है ना इस गाड़ी के अंदर आप लोग को वैनिटी मिरर भी दोनों साइड देखने को मिलेंगे, और साथ ही में जो है ना IRVM आप लोग को ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को जो है ना मैनुअली सेट करने पड़ेंगे। और साथ ही में यहाँ पे वो जो है ना 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स जो है ना आप लोग को प्लेस कर दिए गए हुए, जिसमें आप लोग बढ़िया से गाने गुने सुन के आराम से जा सकते हैं। सो ये थी भाई पूरी तरीके से बात ना इसके बारे में। अब यहाँ पे इसके प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो देखिए इस गाड़ी की प्राइस रेंज जो है ना इंडिया के अंदर जो एक्सपेक्टेड रखी जा सकती है, मैं ठीक है इंट्रोडक्टरी प्राइस, वो शायद आई थिंक 10 से 11 लाख रुपए से ये गाड़ी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में इस गाड़ी की अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बताता हूँ एक्सपेक्टेड, तो ये गाड़ी आप लोग को जो है ना साल के आखिरी तक या फिर फेस्टिव सीजन तक जो है ना ये गाड़ी आप लोग को यहाँ पे मिल सकती है।
सो देखिए ओवरऑल ये थी अपनी स्टारगेजर के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आप लोगों को मैंने दे दी, जितनी जानकारी मिल सकती थी उतनी दे दी। बाकी अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी और क्या चीज़ गाड़ी के अंदर अच्छी लगी, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से अपनी राय मुझे दे देना। बाकी वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को ऐसी किसी वीडियो के अंदर। आप लोग रखना अपना ध्यान, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।